हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और चिक पीस यानी सफ़ेद चने का कॉम्बो बनाने की रेसिपी बताऊंगी। कॉम्बो बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग 300 ग्राम शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, जिसे 80% तक बॉईल कर लिया है। दो नींबू, ऑयल शैलो फ्राई करने के लिए एक छोटी कटोरी उबले हुए चने यानी चिक पीस, सफ़ेद और काला नमक, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और अनार के दाने। फ्रेंड्स, शकरकंद को 80% तक ही बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। बॉईल करने के लिए आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि शकरकंद को कैसे बॉईल करें। शकरकंद को बॉईल करने के लिए आप कुकर में 1/4 कप पानी डालें। शकरकंद को धोकर गीला गीला ही कुकर में रख दें। इसका ढक्कन लगाकर एक विसल आने के बाद लगभग 2 मिनट धीमी आंच पर शकरकंद को पकाएं। गैस को ऑफ कर दें। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसकी मिठास पानी में चली जाएगी। सबसे पहले शकरकंद को छिलके समेत इस तरह स्लाइसेस में काट लेंगे और फिर इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन को गर्म किया है। इस पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और अब इसमें हम रख देंगे स्वीट पोटैटो के स्लाइसेस। 80% ये स्लाइसेस पहले से कुक हुए हुए हैं, 20% ये शैलो फ्राई करने से कुक हो जाएंगे। अब इनको हम दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। ये देखिए, स्वीट पोटैटो अच्छे से कुक हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बाउल में ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम एक बड़े बाउल में तैयार शकरकंद को डालेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे उबले हुए चने और इसके ऊपर हम डालेंगे तैयार मसाला और इसे इस तरह से टॉस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे नींबू का रस। मैं इसमें 2 नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉम्बो में मैंने नींबू का रस डाल दिया है। इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इमली का पल्प। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसको एक बार फिर से हम टॉस कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारा ये कॉम्बो बनकर तैयार है। अब हम सर्व करने के लिए इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कॉम्बो सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे हम गार्निश करेंगे अनार के दानों से। ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।